Praise the Lord, everyone. Welcome to our channel, Men, Women and Dog Men. Guys, क्या आपको पता है कि मुंबई में भी है मिनी गोवा जो है वसई में और इस बीच का नाम है गुड़गांव बीच जो मुंबई से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। चलिए तो एक्सप्लोर करते हैं इस बीच को और देखते हैं तो देख इस बात की। Let's get started. यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं और जिस बीच पर हम जा रहे हैं वो मुंबई के पास के सबसे बेहतरीन बीच में से एक है। यहाँ पर काफी सारी मूवीज की शूट भी होती है, कमर्शियल्स की और साथ ही साथ में प्री वेडिंग्स की भी। यकीन मानिए जब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे आपको ऐसा फील होगा जैसे मानो आप गोवा में ही हैं। बस आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, यहाँ पर रोड्स काफी नैरो हैं तो थोड़ा देख कर चलाइएगा। तो फाइनली हम पहुंचे भुईगांव बीच। चलिए तो अब हम आपको इसका एक 360 व्यू दिखा देते हैं कि ये जगह कैसी है और कितनी बड़ी है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि 360 पूरा टाइम लैप्स में चल रहा है लेकिन फिर भी ये चीज चलते चले जा रही है तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीच कितना विशाल है। बाइक से किसी से भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो मेक श्योर थोड़ा सोच समझ के चलाएं क्योंकि जगह काफी स्लिपरी और काफी मिट्टी से भरी है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, कोई शोरगुल नहीं है, बहुत शांति है। आप यहाँ बैठकर घंटों बिता सकते हैं और लहरों की आवाजों को सुन सकते हैं। फ्रेंड्स वहाँ जो आप देख रहे हैं वो भी एक बीच पॉइंट है। हर थोड़े थोड़े किलोमीटर में बहुत सारे बीचेस के पॉइंट हैं। आप यहाँ मॉर्निंग में इवनिंग में कभी भी आ सकते हैं। हम इनफैक्ट इतनी कड़कती धूप में भी आए हैं बट यहाँ क्राउड बहुत कम है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ और आगे। यहाँ सुरुचि के बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी वजह से ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। यहाँ आकर आप अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ आकर आप आपके सारे टेंशन्स एंड स्ट्रेस को भूल जाएंगे। ये नेचर ही नेचुरली आपके स्ट्रेस को रिलीफ करेगा। गाइस यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं जो कोविड के कारण बंद है। वी प्रे कि ये सब जल्दी शुरू हो जाए। ये बीच थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में है जिसकी वजह से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फूड स्टॉल या रेस्टरूम की सुविधा नहीं मिलेगी। अच्छा होगा अगर आप अपना खाना और पानी अपने साथ लेकर आए। ये वसई स्टेशन से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर दूर है और अगर आप NH8 के हाईवे से आ रहे हैं तो लगभग 17 किलोमीटर वाया सनसिटी रोड है। यहाँ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ एक दिन के पिकनिक के लिए आ सकते हैं और फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। Guys,
गाइज ये नेचुरल हट है, आपको इतना अच्छा महसूस होगा, यहाँ बिल्कुल धूप अंदर नहीं आती है। जब आप यहाँ पर आएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप किसी जंगल में हैं। और इसकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल की है, जमीन, पानी, बादल और बहुत सारे पेड़। गाइज ये जगह सिर्फ आपको गोवा की ही फील नहीं देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, तो इससे आपको केरला की भी फीलिंग आएगी। हरियाली है तो दूसरी तरफ है समुंदर, ऐसा नजारा सिर्फ आपको इसी बीच में मिल सकता है। ये एक ऐसा बीच है जहां आप पानी में ड्राइविंग भी कर सकते हैं, बट सावधानी के साथ। यहाँ पे पार्किंग की कोई भी कमी नहीं है। काफी लोग यहाँ पे ड्राइविंग भी सीखने आते हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। ऑफ कोर्स ट्रैफिक थोड़ी ना मिलेगा यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पे जॉगिंग, वॉकिंग, इनफैक्ट साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हमने भी वॉकिंग का भरपूर मजा लिया। शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शो। गाइज यहाँ पे बहुत सारे सीशेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर आप भी मेरी वाइफ की तरह सीशेल्स कलेक्ट करना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। गाइज कपल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है, कोई ज़्यादा आना जाना रहता नहीं है तो कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन प्लीज़ कोई गंदी हरकत मत कीजिएगा, दैट्स ऑल। अच्छे से आइए, सभ्य तरीके से आइए और प्रकृति का मजा लीजिए। गाइज ये जुहू और मठ के बीच से भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप यहाँ पे जब चाहे आ सकते हैं। यहाँ पे इस बीच के बारे लोगों को शायद ज़्यादा पता नहीं है, यहाँ पे कम क्राउड है, तो आप वीकेंड में या वीकडेज में कभी भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर से। आप गूगल मैप की हेल्प से आ सकते हैं, इसका एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। डूबता हुआ सूरज, बीच और उभरता हुआ पानी, गाइज यहाँ पे वॉक करने का मजा ही कुछ और है। गाइज आप जब भी बीचेस वगैरह आए तो अपने साथ कुछ स्नैक्स इन बेजुबान जानवरों के लिए भी लेकर आए, इससे आपको आशीष मिलेंगी। खाने का सामान रखिए, पैकेट अपने साथ घर लेके जाए। गाइस कोई भी बीच जाए उसे साफ रखिए, फिर फॉरेन से कंपेयर मत कीजिएगा। हमारे इंडिया में भी बीचेस बहुत सुंदर है, मगर बस उसे मेंटेन करने की जरूरत है और उसकी जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ सरकार की नहीं। अगर आप विंटर में यहाँ आते हैं तो आपको काफी सारे माइग्रेंट बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टीमर्स और बोट देखने को मिलेंगी। एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने पे इतना समय लग गया और बीच था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें मुंबई वापस जाना था इसलिए हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन है, आप उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां मेन वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पे भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।